ये वीडियो एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें। 14 अक्टूबर 2012 ऑस्ट्रिया के फेमस स्काईडाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में आसमान में 39 किलोमीटर ऊपर जाकर छलांग लगाई थी। इससे ज्यादा हाइट से आज तक किसी ने स्काईडाइव नहीं किया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस दौरान फ्री फॉल करते हुए उनकी स्पीड 376 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई थी और इस तरह उन्होंने साउंड बैरियर को भी तोड़ दिया था। साउंड की स्पीड ऑलमोस्ट 343 मीटर पर सेकेंड की होती है। इस जंप के दौरान वो टोटल 9 मिनट्स और 3 सेकेंड तक हवा में रहे, जिसमें से करीब 4 मिनट्स और 19 सेकेंड फ्री फॉल के थे। मतलब इस दौरान वो बिना पैराशूट के नीचे गिर रहे थे। जस्ट इमेजिन कि ये कितना डेंजरस था। ये तो शुक्र है कि उन्होंने एक स्पेशली डिजाइंड सूट पहना हुआ था, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन स्काई डाइविंग का शौक रखने वाले लोग डेयर डेविल होते हैं और उनके अंदर ऊंचाइयों से कूदने का जुनून सवार होता है। वो दिन दूर नहीं जब कोई और स्काई डाइवर फेलिक्स बॉमगार्टनर के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अब वो इससे और कितनी ऊपर से जंप लगा सकता है? स्पेस से या फिर स्पेस में उड़ते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से? अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि क्या कोई इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर से स्पेस में जंप लगा सकता है? वेल, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, एडवेंचर के दीवाने हमेशा ये सपने देखते हैं कि वो आसमान में बादलों के ऊपर से जमीन की ओर छलांग लगाए। वो चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस करे कि एक पंछी को आसमान से ये दुनिया कैसी लगती होगी। अब क्या पता ऐसे ही किसी इंसान के दिमाग में स्पेस से धरती पर छलांग लगाने के सपने भी हिलोरे मार रहे हो और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर स्काई डाइव नहीं बल्कि स्पेस डाइव करने का मन बना ले। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो ऐसा करेगा कैसे, मतलब कि वो वहां तक जाएगा कैसे। फेलिक्स बॉमगार्टनर ने उस हाइट पर पहुंचने के लिए एक बलून बनाया था, लेकिन स्पेस में बलून तो नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर हवा भी नहीं होती है। ऐसे में हमारे स्काई डाइवर को एक स्पेस क्राफ्ट की जरूरत होगी जो उसे स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सके। हमारे पिछले एक वीडियो में हमने आपको SpaceX के क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताया था। ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाता है। लेकिन क्या वो एक नॉर्मल स्काई डाइवर को स्पेस तक ले जाएगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं। पर चलिए मान लेते हैं कि SpaceX ऐसा करने को तैयार हो जाता है। अब ऐसे में उस स्काई डाइवर को इसके लिए करीब 6 करोड़ डॉलर्स खर्च करने होंगे क्योंकि ये इसकी वन टाइम मिशन कॉस्ट है। इसके बाद हमारे स्काई डाइवर को मिशन स्टार्ट होने तक का वेट करना होगा। घड़ी को थोड़ा जल्दी घुमाते हुए अब हम उसे स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर सीधे स्पेस स्टेशन में पहुंचा देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसके स्पेस स्टेशन से कूदने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ठहरो जरा, अरे भाई, हम अपने स्काई डाइवर को ऐसे ही स्पेस से नहीं कूदा सकते ना। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसके पास सुरक्षा के सारे इक्विपमेंट्स है या नहीं। अब अगर हमारा स्काई डाइवर स्पेस स्टेशन में है तो उसने एस्ट्रोनॉट वाला स्पेस सूट तो जरूर पहना होगा और उसके पीछे वो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर भी लगे होंगे। अब ऐसे में उसके लिए पैराशूट बांधना काफी टफ होने वाला है। पैराशूट के बिना वो सेफली जमीन पर लैंड नहीं कर पाएगा और स्पेस सूट के बिना वो सोलर विंड्स और धरती के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की हीट से राख हो जाएगा, इसलिए दोनों ही जरूरी है। सेकेंडली, वो यहाँ पर किसी नॉर्मल बिल्डिंग या आसमान में उड़ते हुए बलून से डाइव नहीं लगाने वाला है। वो डाइव लगाने वाला है ISS से, जिसकी धरती से डिस्टेंस है 405 किलोमीटर, मतलब फेलिक्स बॉमगार्टनर के रिकॉर्ड से भी करीब 10.4 times ज्यादा। अब जरा अंतरिक्ष टीवी के स्पेस स्टेशन में बैठे आप लोग अपने स्काई डाइवर को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि अब वो स्पेस स्टेशन से कूदने ही वाला है। यहाँ पर उसे दो चीज याद रखनी होगी। पहला, ISS की ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड की है और वो धरती की रोटेशन की डायरेक्शन में उसके साथ ही रोटेट कर रहा है। दूसरा, धरती की खुद की ऑर्बिटल स्पीड 460 मीटर पर सेकेंड की होती है। ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा स्काई डाइवर धरती के रोटेशन की डायरेक्शन में जंप करता है तो वो कभी भी नीचे जमीन पर गिरेगा ही नहीं। पर ऐसा क्यों?
वेल, स्पेस स्टेशन से जंप करते ही वो धरती के चारों ओर अपनी ही एक अलग ऑर्बिट में रोटेट करने लगेगा और जब तक उसे रेस्क्यू नहीं किया जाता वो ऐसे ही घूमता रहेगा कुछ समय तक, हमारा स्काई डाइवर और फिर उसकी लाश। ऐसे में जरूरी है कि या तो स्पेस स्टेशन ही उल्टी डायरेक्शन में घूमे या फिर वहां पर ऐसा कोई इंतजाम किया जाए जिससे हमारे स्काई डाइवर को उल्टी डायरेक्शन में तेजी से धकेला जा सके। अब यहां पर भी, जी हाँ, इस ऑप्शन में भी आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि हमारा स्काई डाइवर सीधे नीचे की ओर आ जाएगा। ना 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 ना, स्पेस में जिस भी स्पीड से वो नीचे आए उससे उसे धरती के एटमॉस्फेयर में भी एंटर होने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। ये सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 1 साल तक खाना, पानी और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? बट एक सच्चा स्पेस लवर सबसे पहले ये सोचेगा कि हमारा स्काई डाइवर कभी भी धरती को ऑर्बिट करते स्पेस डेब्रीज से टकरा सकता है। हमारी धरती के चारों ओर डिस्ट्रॉय हो चुकी सैटेलाइट्स के ढेर सारे टुकड़े ऑर्बिट करते हैं और उनकी स्पीड भी करीब 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो सकती है। इनमें से अगर एक भी टुकड़ा हमारे स्काई डाइवर से टकराए तो उसकी मौत होनी तो निश्चित है। पर चलिए मान लेते हैं कि वो इन सब से भी बच जाता है और धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर भी कर जाता है। दोस्तों, अब इतना कुछ सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे स्काई डाइवर का कठिन समय अब खत्म हो चुका है, तो भाई अभी तो बस ये शुरुआत है। धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उसकी स्पीड करीब 1 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, मतलब साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा तेज। इस समय उसके शरीर पर 8G का फोर्स लग रहा होगा, यानी कि धरती की सतह पर हमारी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उससे 8 गुना ज्यादा। ऐसे में कुछ ही पलों में हमारे स्काई डाइवर के शरीर का पूरा खून ऊपर की ओर जाने लगेगा और दिमाग में स्टोर होने लगेगा। एक्सट्रीम प्रेशर की इस कंडीशन में काफी चांसेस है कि उसकी जान भी चली जाए। और तो और, ये स्काई डाइवर धरती के एटमॉस्फेयर में ठीक उसी तरह एंटर करेगा जैसा कि एक मीटियोराइट करता है। जी हाँ, मेरा इशारा उसी तरफ है। जमीन की ओर आते हुए हमारे स्काई डाइवर के स्पेस सूट से लगातार एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और वो भी बहुत तेजी से। इस कारण कुछ ही पलों में उसके स्पेस सूट का आउटर टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा एंड इन दिस केस वो राख में बदल जाएगा, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर स्पेस सूट तो क्या, स्टील भी मेल्ट होने से नहीं बच पाएगा। मतलब इसके आगे की जर्नी के लिए हमारा स्काई डाइवर जिंदा बच ही नहीं पाएगा। अब अगर मैं एक बार फिर से किसी सुपर हीरो की तरह एंट्री मारूं और अपने स्काई डाइवर को बचा लूं, तो वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकता है। इसके बाद अगर वो पैराशूट उसके पास होता है और वो जमीन से करीब 1 किलोमीटर पहले सक्सेसफुली अपना पैराशूट ओपन कर लेता है, तो नो डाउट वो इजीली जमीन पर लैंडिंग कर लेगा। आई एम श्योर इसके बाद वो दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर छा जाने वाला है, और बनता भी तो है। मैं तो कहूंगा कि उसे दुनिया भर के सारे अवार्ड्स एक एक करके दे देने चाहिए। और हाँ, यहाँ पर मेरा भी कुछ ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बिना तो ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं थी। अरे भाई, कोई अवार्ड नहीं तो कम से कम मेरे लिए एक स्पेशल मेंशन तो बनता है। आखिर मैंने ना जाने कितनी ही बार अपने स्काई डाइवर की जान बचाई है। खैर, इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और रियलिटी में देखते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कूदना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट आज की टेक्नोलॉजी से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट आई एम श्योर कि फ्यूचर में हम इंसान ऐसे किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप जरूर करेंगे जिससे ये पॉसिबल हो सके, और उस दिन हमारा कोई ब्रेव स्काई डाइवर ऐसा करके जरूर दिखाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि अंतरिक्ष टीवी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहे, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी मर्चेंडाइज खरीदकर। आप हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाकर हमारे कूल स्पेस टी शर्ट्स जाके खरीद सकते हैं, और साथ ही आप यूज कर सकते हैं स्पेस 500 कूपन कोड को, जिससे आपको 50 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। तो बस अपने मन पसंद की टी शर्ट परचेस करो और अंतरिक्ष टीवी को सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर, तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।